नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर। खुशहाल भविष्य के लिए भूजल बचाएं, समाजवादी संकल्पों का किसान वर्ष। दैवीय आपदा में अब तक किसानों को सबसे ज्यादा मुआवजा। किसानों के उत्थान हेतु लिए गए महत्वपूर्ण कदम। विकास के लिए जरूरी समृद्ध कृषि एवं उन्नत सिंचाई। विद्युत की भरपूर उपलब्धता पर खास जोर और प्रकृति के अनमोल उपहारों को बचाने की जरूरत। अब कृषि समाचार विस्तार से। जन सहभागिता के माध्यम से भूगर्भ जल संसाधनों एवं संरक्षण हेतु पिछले दिनों भूजल सप्ताह का आयोजन किया गया। प्रदेश की जल आधारित विभिन्न योजनाओं में भूजल की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि क्षेत्र में इस संसाधन के अनियोजित दोहन होने से राज्य के अनेक क्षेत्रों में भूजल के स्तर में तेजी से गिरावट आई है, जिससे इस प्राकृतिक स्रोत की उपलब्धता में कमी आई है। प्रमुख शहरों में भूजल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं अनेक जिलों में भूगर्भ जल में फ्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन के अधिक मात्रा में मौजूद होने से भूजल प्रदूषण के मामले भी प्रकाश में आ रहे हैं। राज्य भूजल संसाधनों के व्यापक संरक्षण तथा उसके नियोजित प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार ने भूजल के महत्व के दृष्टिगत 18 फरवरी 2013 को भूजल प्रबंधन, वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज हेतु समग्र नीति लागू की है। प्राकृतिक जल स्रोतों की सुरक्षा व वर्षा जल के प्रभावी संचयन के उद्देश्य से जल बचाओ अभियान योजना की शुरुआत भी की गई है। इस संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग हेतु जन जागरूकता अभियान को निरंतर संचालित करने से जन सामान्य में जागरूकता आएगी तथा गांव एवं शहर में भूजल स्रोतों की सुरक्षा एवं संरक्षण के साथ साथ इसका दुरुपयोग रोकने एवं इसे प्रदूषित होने से बचाने के संबंध में सक्रिय सहयोग प्रदान करने की जरूरत है। इससे हम भूजल को बचा सकेंगे। भारतवर्ष की आत्मा यदि गांव में बसती है तो कृषि इसका मेरुदंड है। और जब हम भारत की आत्मा और उसके मेरुदंड की चर्चा करते हैं तो उत्तर प्रदेश का नक्शा हमारी आंखों में चमक उठता है। विगत कुछ वर्षों में शहरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं की विस्तार के कारण हमारी कृषि भूमि लगभग 20% कम हुई है। प्रगति के लिए शहरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार भी जरूरी है और बढ़ती आबादी के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन भी प्रायः अनिवार्य है, जिसकी भरपाई ऊसर, बंजर, बीहड़ एवं अकृषि भूमि को कृषि योग्य बनाकर उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के जरिए ऊंची कृषि विकास दर हासिल कर किया जाना नितांत आवश्यक है। सरकार ने अपनी कृषि नीति में 5.1% कृषि विकास दर का लक्ष्य रखा है, जो कि पहले कृषि विकास दर से कहीं अधिक है। जिन किसानों ने अपनी जरूरतों के लिए सहकारी बैंक से अधिकतम 50,000 रूपए कर्ज लिए थे लेकिन आर्थिक तंगी के कारण अदा नहीं कर पाए, उन्हें मूलधन का 10% कर्ज माफ कर दिया गया है। राज्य सरकार ने उनका कर्ज माफ करते हुए सहकारी बैंकों को इसकी भरपाई के लिए जहां गत वर्ष 900 करोड़ रुपए प्रदान किया, वहीं इस वर्ष 750 करोड़ की भरपाई का प्राविधान बजट में किया गया है। कर्ज माफी की इस योजना का अब तक 4 लाख से अधिक किसान लाभ उठा चुके हैं। साथ ही मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों की सहायता के लिए 2,447 करोड़ रुपयों की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है, जिससे अब तक 46,78,474 किसानों के मध्य 1,840.64 करोड़ रुपयों की धनराशि भी वितरित की जा चुकी है। सरकार ने वर्ष 2015-16 को किसान वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। कृषि डिग्री धारक युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए एग्री जंक्शन के नाम से 1,000 वन स्टॉप शॉप खोली जाएगी। इन पर किसानों की जरूरत के सभी उत्पाद मिलेंगे। इसके लिए राज्य सरकार एग्री जंक्शन खोलने वाले युवाओं को ऋण के ब्याज पर 5% अनुदान देगी। किसानों को उन्नतशील संकर बीजों, वर्मी कम्पोस्ट, जैव उर्वरक, कृषि रक्षा रसायन, कृषि यंत्रों, बोरिंग, कृषि प्रदर्शन पर अनुदान दिया जा रहा है। वर्मी कंपोस्ट पर उत्पादन लागत का 50% अथवा 5,000 रूपए, जैव उर्वरक पर प्रति पैकेट 2 रूपए अनुदान दिए जा रहे हैं। किसानों के लिए सरकार द्वारा मानक के अनुसार निर्धारित मूल्यों पर गुणवत्ता युक्त बीज, खाद एवं कृषि रक्षा रसायन समय पर उपलब्ध कराए गए। किसानों को सरकार द्वारा उन्नतशील बीजों, दलहन बीजों,
संकर बाजरा मक्का पर प्रति क्विंटल 500 रुपए से 8000 रुपए अथवा मूल का 50% तक निश्चित अनुदान देय है। ऊसर, बंजर, बीहड़, जल भराव वाली भूमि का सुधार किसानों के लिए किसानों द्वारा कराने के लिए भूमि सेना योजना चलाई गई है। किसानों को नई तकनीक एवं संचालित योजनाओं का ज्ञान देने के लिए जनपदों एवं विकास खंडों में किसान मेलों का आयोजन किया जा रहा है। सरकार ने जहां विद्युत उत्पादन में वृद्धि के लिए कई नई परियोजनाएं चालू की हैं, वहीं वर्तमान समय में कार्यरत उत्पादन इकाइयों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने हेतु भी कई कदम उठाए गए हैं। राज्य में विद्युत की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। विद्युत उत्पादन में वृद्धि हेतु PLF में इजाफा किया गया है। 2011-12 में जहां PLF 58.46% था, वहीं जून 2015 में बढ़कर ये 68.33% हो गया है। परीक्षा तापीय परियोजना विस्तार द्वितीय 500 मेगावाट की इकाई संख्या 5 में वाणिज्यिक भार पर उत्पादन रत है। इसी परियोजना के अंतर्गत इकाई संख्या 6 भी वाणिज्यिक भार पर उत्पादन रत है। इसी तरह हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना विस्तार 500 मेगावाट की इकाई संख्या 9 वाणिज्यिक भार पर उत्पादन रत है। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती पर 80 लाख से अधिक प्रजातियां वास करती हैं, जिनमें से हम महज 16 लाख की पहचान कर उन्हें नाम दे पाए हैं। वहीं 20,000 प्रजातियों के गुणों की ही पहचान हो सकी है, जिनका मानव जाति के जीवन यापन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इसके लिए जरूरी है कि सभी प्रजातियां जिनकी पहचान नहीं हो सकी है उन्हें संरक्षित किया जाए। आज समुद्र की तलहटी में ऐसे जीवाणु मौजूद हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा खाते हैं। ऐसी प्रजातियां विकसित हों जो प्रदूषण को अवशोषित कर सके तथा अधिक तापमान में भी उपज दे सके। इनके बचाव से ही हमारा विकास संभव है। किसान भाइयों, अब एक नजर डालते हैं प्रदेश की मंडियों के कुछ ताजा मंडी भाव पर। धान लखनऊ की मंडी में 1,390 रुपए, सीतापुर की मंडी में 1,205 रुपए, रायबरेली की मंडी में 1,375 रुपए, हरदोई की मंडी में 1,380 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 1,325 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल लखनऊ की मंडी में 2,120 रुपए, सीतापुर की मंडी में 2,110 रुपए, रायबरेली की मंडी में 2,025 रुपए, हरदोई की मंडी में 2,175 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 2,085 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गेहूं लखनऊ में 1,485 रुपए, सीतापुर में 1,475 रुपए, रायबरेली में 1,470 रुपए, हरदोई में 1,465 रुपए और फैजाबाद में 1,460 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मसूर लखनऊ में 5,910 रुपए, सीतापुर में 5,925 रुपए, हरदोई में 5,620 रुपए और फैजाबाद में 5,780 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुड़ लखनऊ में 3,005 रुपए, सीतापुर में 2,935 रुपए, रायबरेली में 2,915 रुपए, हरदोई में 2,700 रुपए और फैजाबाद में 3,050 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू लखनऊ में 620 रुपए, सीतापुर में 600 रुपए, रायबरेली में 595 रुपए, हरदोई में 550 रुपए और फैजाबाद में 615 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर लखनऊ में 2,000 रुपए, सीतापुर में 1,900 रुपए, रायबरेली में 1,850 रुपए, हरदोई में 1,950 रुपए और फैजाबाद में 1,790 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज लखनऊ में 2,100 रुपए, सीतापुर में 2,050 रुपए, रायबरेली में 1,990 रुपए, हरदोई में 2,000 रुपए और फैजाबाद में 1,950 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बैगन लखनऊ में 1,005 रुपए, रायबरेली में 805 रुपए और फैजाबाद में 1,115 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से?
अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, एनएचएम बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, हम कई बार आर्सेनिक तत्व के बारे में सुनते हैं। पेयजल में, हमारे सिंचाई के जल में आर्सेनिक तत्व की मात्रा है, इससे क्या नुकसान है हमारे स्वास्थ्य को, साथ ही साथ हमारी फसलों को, विशेषकर चावल और पत्तेदार सब्जियों पर इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रपाल, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र शाहजहांपुर से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आर्सेनिक तत्व क्या है। देखिए, आर्सेनिक तत्व जो हमारे पौधों के लिए जी 19 पोषक तत्वों की जरूरत, उनमें से एक है। ये आर्सेनिक को देखिए दो तरीके से भारी तत्व होते हैं, कुछ कम जरूरत है और कुछ बहुत ही कम मात्रा में जरूरत होते हैं, उनमें से एक है जी। आर्सेनिक को एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या जो 20 होता है, ये पूर्व में भी प्रयोग किया जाता था, जो हमारे राजा लोग भी हैं अपने उनको रखते थे जी। तो ये एक तरीके का बहुत ही भयंकर विष है जो आदमी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, पौधों के स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है जी। कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता तो है, लेकिन एक हद से जब ज्यादा हो जाता है तब बहुत नुकसानदायक हो जाता है। डॉक्टर साहब, इसका जो दुष्प्रभाव है वो फसलों पर कैसे होता है? देखिए, फसलों पर इसका दुष्प्रभाव हमारे जो सिंचाई के स्रोत हैं जी, विभिन्न स्रोत, विशेषकर जो हमारा स्वच्छ वाटर, बरसात का वाटर होता है, वो फसलों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दूसरा, हमारा जल स्रोतों में आ जाता है नदियाँ। नदियों में आप देखते हैं कि आज जितनी औद्योगिक इकाइयाँ जी नदियों के किनारे, चाहे आप हैदराबाद की बात, गाजियाबाद, नोएडा, बनारस, कानपुर, ये सभी जितनी औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो नदियों के किनारे हैं, और नदियों में जो है इसका जो हमारा आर्सेनिक तत्व है ये पहुंचता है उनके कचरे के माध्यम से, और नदियों से नहरें बनी जी, और नहरों से जाकर के जो है किसान हमारे खेतों में खेतों तक पहुंचता पानी जाता है। तो काफ़ी कुछ जो बरसात के अलावा ये नदियों से पानी, इसमें भी कुछ रहता है। तीसरी बात है, हमारे किसान भाई जो तालाबों से, कुओं से, पंपिंग सेट से जी करते हैं सिंचाई, एक इस समय जो सबसे बड़ा विशेष करके शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, यहाँ तक अब तो छोटे शहरों में भी आ गए जिले लेवल में, तो जो हमारा ये मल मूत्र का सीवेज वाटर जो वाहित मल है, हाँ जी, इससे जो है जब सिंचाई किसान भाई करते हैं तो हमारे पौधे इस विष से प्रभावित होते हैं। कैसे प्रभावित होते हैं इसका ये देखिए, हमारी जो मिट्टी है जी, खेत हैं, वो मिट्टी हमारी छलनी का काम करती है जी। जो भी हम पोषक तत्व पौधों को देते हैं वो छलनी का काम करते हैं, तो होता क्या है कि जो हमारे घुलनशील हैं पोषक तत्व, या तो पौधों को चले जाते हैं या सीधे लीच कर जाते हैं। ये जो हमारे आर्सेनिक है, कैडमियम है, तांबा है, जस्ता है, सीसा है, पारा है,
ये जो है जरूरत तो सूक्ष्म मात्रा में मगर भारी तत्वों में गिनती है और ये नुकसानदायक माने गए हैं। जहाँ से इनकी मात्रा यदि ज़्यादा हो जाती है तो पौधों के लिए, जानवरों के लिए और आदमी के स्वास्थ्य के लिए प्रभावित। एक ही और ये तत्व क्या करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि मिट्टी छन्नी का काम करती है तो ये ऊपर तत्व रह जाते हैं, कहने का मतलब जमीन के करके और फिर जमीन के ऊपर, हाँ जमीन के ऊपर रह जाते। पौधे चाहे हम चावल की फसल लें चाहे सब्जी, क्योंकि इनकी जड़ें उथली होती, विशेष करके पालक है, लटूस है, सलाद है, पत्तेदार, हाँ पत्तेदार चाइनीज कैबेज है आपका जो आता है जी, तो ये इनकी जड़ें ज़्यादा गहराई पे नहीं जाती तो ऊपर रहती हैं। और ये तत्व क्या करता है, जो हमारे घुलनशील हैं उनको भी अघुलनशील अवस्था में बदल देता है जी। तो जो आवश्यक पोषक तत्व हमारे पौधों को और जाने चाहिए वो नहीं पहुंचे, ज्यादा मात्रा में जाने, वो नहीं जा करके इनका अवशोषण जाइलम के द्वारा उनके पौधों में पहुंचता है। और जब उनमें पहुंचता है तो क्या है, क्योंकि ये एक मात्रा से ज्यादा जाएगा तो पौधे को जहरीला बना देगा जी। डॉक्टर साहब एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि देखा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में आर्सेनिक तत्व की मात्रा बढ़ती जा रही है, चाहे वो पेयजल में हो चाहे सिंचाई जल में हो, तो इसका कारण क्या है? देखिए इसका सबसे बड़ा कारण एक तो शहरों से जो मलमूत्र जाता है, कीटनाशक आधा धुंध मात्रा में, रसायन खादों का कोई वैज्ञानिक रिकमेंडेशन नहीं है, यूरिया है तो यूरिया किसान देता जा रहा है अधिक मात्रा में, जो पता नहीं उसको, पता नहीं। एक और आज सबसे बड़ा कारण है, जो बड़े बड़े शहर हैं, आप बंगलौर चले जाइए, गाजियाबाद चले जाइए, जहाँ पे ये कंप्यूटर लैपटॉप बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, और जो चिप विशेष कर लगती है, चिप जो बनी होती है, और वो जब टूट फूट करके हमारे उनके जो कचरा उनसे जाता है, ई कचरा जिसे बोलते हैं, आज ई कचरा की बात करते हैं, उसके माध्यम से जब ये नदियों में जाता है तो ये समझिए कि मछलियां तक भी मर जाती हैं, इतना ये पॉइजन है। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है आज आर्सेनिक का बढ़ने का जी। कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सामान के हमारे कारखाने हैं उन पर वहाँ पर निपटारे की व्यवस्था ठीक नहीं है और नदियों में जाता है, नुकसान करता है। डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे कि ये तो बात हो गई कि पौधों में पहुँच गया, सब्जियों में पहुँच गया, उसके बाद जब हम इस्तेमाल करते हैं या हमारे जानवर उसको खाते हैं तो मानव स्वास्थ्य पर और पशुओं के स्वास्थ्य पर इसका क्या दुष्प्रभाव है? देखिए आपने अभी कुछ दिन पहले बिहार की एक घटना पढ़ी होगी, 2010 की बात है जी, वहाँ पर एक साथ 18 बच्चे लगभग जन्मांध पैदा हुए, जन्म में से ही अंधे हुए। डॉक्टरों के लिए बड़ी समस्या कि कैसे क्या किस कारण से हुआ। जब उसकी एनालिसिस किया गया तो पाया गया कि इन के जो माता पिता थे, माँ के, उसमें इनके आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा थी जी। एक तो ये अभी ताज़ा घटना है, इसके अलावा देखिए आर्सेनिक से कैंसर की समस्या बढ़ती है। ये आदमी के शरीर के हड्डियों को गला देता है, यदि जरा सा भी ज्यादा मात्रा हो गई तो गला दे, कई बार कहते हैं लोग दांत खराब हो जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं, इसके अलावा गुर्दे खराब हो जाते हैं, पाचन तंत्र जो प्रभावित होता है इससे। आपको एक ये बता दें, जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने जो इसका बताया है कि हमारे खाद्यान्न या सब्जियों में विशेष करके ये 50 PPB जी, ये मात्रा, छोटी मात्रा है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। जो यहाँ पे मैं बिहार की घटना बता रहा हूँ, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ पे ये लगभग पाया गया 1861 PPB, इतनी बड़ी मात्रा, इतनी बड़ी मात्रा में, जो कि काफ़ी हमारे आने वाले समय में यदि हम सही इसको सोचते नहीं हैं तो काफ़ी नुकसानदायक। डॉक्टर साहब ये तो बात हो गई कि मानव स्वास्थ्य पर इसका बहुत नुकसान है, क्योंकि शरीर का कोई ही ऐसा अंग हो जिससे प्रभावित ना हो, लगभग पूरा शरीर से प्रभावित होता है। अगर हम बचना चाहें इससे, इसके दुष्प्रभाव से, तो कैसे बचें? देखिए इसके लिए हमारे सामाजिक संगठन, हमें स्वयं और हमारी सरकार जी, तीनों को मिल करके कार्य करना होगा। किसान भाइयों को भी सोचना होगा कि इस तत्व से न ज़्यादा जाने पाए, हमारी ज़मीन खराब ना हो, हमारा जो उत्पाद है वो खराब गुणवत्ता युक्त रहे, इसके लिए सभी को मिलकर के कार्य करना पड़ेगा। जहाँ तक सरकार की बात आती है, सरकार को ये, जैसे आपने देखा होगा कि शहरों में जो मलमूत्र का पानी, सीवेज वाटर है, तो सीवेज ट्रीटेड प्लांट लगाए जाते हैं, लगाए भी जाए और काम भी करें, हाँ तो लगाए जा रहे हैं किंतु कम मात्रा में जी, और अधिक संख्या इनकी बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी बात है, सबसे ज़्यादा और है कि इसमें नियम रूल जो हैं उसके स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, कड़ाई से फॉलो, मानक के अनुसार काम, मानक के हिसाब से यदि काम नहीं होगा तो आगे और समस्या बढ़ेंगी। तो एक तो ये सरकार का, संगठन का, ये हमारी जिम्मेदारी है कि जैसे अभी मैंने ई कचरा की बात जी, औद्योगिक इकाइयों की बात की,
तो ये हमारे औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो इस तरीके के कचरे को एक जगह एकत्र करके वो कर दें, उसे नदियों में न जाने दें, उसका निपटारा ठीक से करें। इसी प्रकार से हम अपने घरों में हैं जो ये मलमूत्र द्वारा जाता ऐसे पदार्थों को ना हम वो करने, जैसे कीटनाशक की बात हो या और हमारे बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिन हानिप्रद हैं, उन पे भी सावधानी रखें। कम से कम पानी का हम दुरुपयोग जो करते हैं वो रोकें, सदुपयोग करें पानी का ये कोशिश करें। किसान भाइयों को क्या चाहिए कि जो यदि फसल इस तरह की चाहे हमारे, जैसे चावल की बात है, चावल हमारा जितने खाद्यान्न हैं सबसे ज़्यादा आर्सेनिक के प्रति सेंसिटिव है, ज़्यादा ग्रहण करता है। आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव है। इसके अलावा ये कोई हिंदुस्तान की समस्या नहीं, पूरे विश्व की समस्या है। अमेरिका हो चाहे वियतनाम हो, वहाँ पे भी काफ़ी यहाँ से भी ज़्यादा पाई गई। आपसे मैं बता दूँगी, गंगा नदी का एक सर्वे किया गया तो 50 टन आर्सेनिक और क्लोराइड की मात्रा पाई गई, बहुत बड़ी मात्रा है। हाँ, तो ये सब चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर हम थोड़ी सावधानी रखें तो जो आर्सेनिक तत्व से होने वाली हानियां हैं उससे हम और हमारे जानवर सुरक्षित रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।